हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर किस टाइप के आजकल वीडियोस दे रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था 13 तारीख तक आपकी क्लासेस इसी तरीके से रहेंगी, यानी 13 तारीख के बाद आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर वे में आएंगी, ठीक है। और इस टाइम पे क्योंकि मेन चीज़ मैंने आपसे कहा था कि आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, तो मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे जो हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम है और यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ा सकूँ या कोई चीज़ें समझा सकूँ। ये सिर्फ समझाने वाली वीडियोज़ हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होंगी, ठीक है, आपके काम ही आएंगी। इसके बाद देखना बच्चों, 1 या 2 वीडियोज, यानी आज डेट है कितनी, 10 10 मार्च से हो चुकी हैं, तो आप 13 मार्च यानी कल और परसों 11 और 12, इसमें हो सकता है कि एक दिन आपकी वीडियो ना आए, बाकी 12 को मैं पहुंच जाऊंगा देहरादून, तो पहुंचते ही मैं क्लास तो दे नहीं पाऊंगा। 13 से मैं आप लोगों के बीच प्रॉपरली मतलब अवेलेबल रहूंगा। 12 को भी मैं कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा, यानी बोर्ड के साथ आ जाऊंगा, यानी जो व्हाइट बोर्ड के साथ आपको पढ़ने की हैबिट है या जो आपको मुझे देखने की हैबिट के हिसाब से कह सकता हूँ, वहां से मैं आपके बीच अवेलेबल रहूंगा। और वहां से प्रॉपर, यानी जब तक आपका आरओ या लोअर पीसीएस पर पीसीएस के एग्जाम नहीं हो जाते, हम लोग डीप स्टडी करेंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि सारे ग्रुप सी के छात्रों को मैं डीप स्टडी की ओर ही धकेल दूं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी स्ट्रेटजी, उन लोगों के लिए प्लानिंग है मेरे पास। आप लोग वनडे एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, यानी जो हमारे 10 15 नंबर जो कम रह रहे हैं, क्योंकि पेपर हमेशा, अगर आप मान के चलिए जो कनिष्ठ सहायक का पेपर था, अगर इसमें 10 15 क्वेश्चन नॉर्मल होते तो फिर तो वही बात आ जाती। देखो 15 20 क्वेश्चन तो हर पेपर में टफ रहते हैं, लेकिन इस वाले पेपर में कम से कम 30 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पेन चलाना लगभग लगभग मुमकिन था, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे पेन चला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उन क्वेश्चन की वजह से क्या है, मेरिट जो है अपने आप में स्वाभाविक सी बात है कि वो नीचे आएगी, ठीक है। अभी आंसर की आने दीजिए, उसमें कुछ क्वेश्चन तो डाउटफुल है ही हैं, जैसे परसों मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसमें कि आपका जो ये भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है, ठीक है। मैंने उसमें जब बताया था आपको वीडियो में कि इंडियन पार्लियामेंट इसका ऑप्शन होना चाहिए, तो बच्चों ने कहा कैग कैग कैग, तो मैंने भी ऐसी पिन कर दिया कमेंट में, कैग ही समझो तो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन पार्लियामेंट ही उसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो कैग है बच्चों, वो सार्वजनिक जो पैसा है, यानी जब गवर्नमेंट पैसा बजट अलॉट करती है उसका संरक्षण करता है, लेकिन जो जनता का धन है, जो टैक्स के रूप में आप पैसा वगैरह देते हैं सरकार को, वो तो फिर पार्लियामेंट की अनुमति के बिना आप कहीं खर्च कर ही नहीं सकते। टैक्स के नियम हो या कुछ भी हो, पार्लियामेंट, वो तो खैर बाकी आंसर की में देखना होगा कि वो किस प्रकार से आपके आंसर देता है। ये जो वीडियो है बेसिकली ये है बच्चों फॉरेस्ट गार्ड की, क्योंकि बच्चों का कब, 9 अप्रैल ना, 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, और मैं आपको बता दूं वो सबसे बड़ा एग्जाम है। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 1200 पदों पर उसमें विज्ञापन मतलब आपकी भर्ती होनी है। और मैं उन लोगों से भी ये कहूंगा जो, अगर पुलिस कांस्टेबल का तब तक अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यानी पुलिस कांस्टेबल का अगर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों के लिए सीट छोड़ देना, जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं है, जिसका पुलिस कांस्टेबल में अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। बाकी सबका अपना विवेक है, किसको क्या सही लगता है क्या खराब लगता है वो अपने स्तर से देखें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है उसके लिए मेन चीज जो चीज आई, कनिष्ठ सहायक और पटवारी का जो पेपर था, उससे बच्चे बहुत घबरा से गए हैं। मतलब उनको लग रहा है कि यार 2 3 साल 3 4 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, सडनली जो पेपर का स्तर है वो चेंज हो गया, अब क्या होगा कैसा होगा, कुछ नहीं है, अपने आप आता ना, टफ ही तो आएगा ना पेपर। अब आप खुद सोचिए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का इतना बड़ा एग्जाम है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट देखिए लगभग 1200 पदों पर उसका भर्ती होनी है, और उसमें आप लोग एज ग्रुप भी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ है, तो मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों कि इतने बड़े पेपर में जब भी कभी इतना बड़ा एग्जाम होता है, तो आप लोग ये भी सोचिए पेपर किसी भी स्तर का हो, निकलेंगे तो 1200 ना, मतलब आप खुद सोचिए 1200 1250 पदों पे जितनों पे भी आपकी भर्ती होनी है, पेपर आपका बहुत हार्ड आए या बहुत इजी आए, निकलने 1200 ही हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, कई बार क्या होता है, जैसे कुछ पेपर हमें हमारे लिए इजी होते हैं, यानी हम सोचते हैं कि अरे बहुत इजी पेपर आया, हो सकता है वो पेपर दूसरे के लिए टफ हो, और कई बार लोगों को लगता है कि ये पेपर हमारे लिए टफ है या हो सकता है वो दूसरे के लिए ईजी हो। तो पेपर टफ है या आसान है इसका निर्धारण आप खुद ही जब एग्जामिनेशन हॉल पर जाते हैं आपको पता चल जाता है। देखिए मैंने आपसे बार बार एक चीज़ कही, आपने कनिष्ठ के पेपर से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि पहले ये देखना कि पेपर का स्तर क्या है, यानी पेपर का लेवल क्या है। मैंने बार बार आपसे ये कहा कि अगर आपको लगेगा कि यार आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, पेपर का लेवल जो है उसका जो स्तर है वो अपने आप में वाकई जो है कठिन है, यानी टफ है, तो उसकी मेरिट स्वाभाविक सी बात है नीचे चले जाएगी। अब हमें करना क्या है, 30 35 40 45 क्वेश्चन जितने भी हमें एग्जैक्टली आ रहे वो करने, उसके बाद हम 15 20 25 30 क्वेश्चन पर हम अपना एक कोशिश कर सकते हैं कि यार क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। तो 60 नंबर 62 65
61 नंबर जितने भी हैं उतने हम अगर पहुंच जाते हैं, यानी 60 से लगभग ऊपर ऊपर मान के चलिए आप 62-63 जितना भी जाएगा, तो वहां अगर हम पहुंच जाते हैं वहां सेफ है। तो आप ये देखिए ना कि वो जो टफ पेपर है वो सभी बच्चों के लिए है। एग्जैक्टली आपका किसमें काम करेगा? फॉरेस्ट गार्ड में। अब पहली बात ही ध्यान देना, फॉरेस्ट गार्ड का कनिक सहायक के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। कनिक सहायक का एग्जाम जो था यूके पीएससी के सिलेबस पे था। कई लोगों को तो अभी ये भी कंफ्यूज रहता है कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कब है, मतलब वो मुझे समझ नहीं आता कई बच्चे कहाँ सोए रहते हैं इतना, मतलब इतनी दुनिया एडवांस से चल रही है, इतनी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सब चीज़ है। कई बच्चे तो बहुत मतलब अभी भी ऐसी बातें करते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है उनको, ठीक है। तो पहली बात सुनना, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का बच्चों एग्जाम होना है वो होना है यूके SSSC के सिलेबस पे, यानी 40 नंबर की पुनः उत्तराखंड मिल जाएगी, 20 नंबर की पुनः आपकी क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी। उसके बाद 40 नंबर की जो आपकी कौन सा पोर्शन है, जो जीएस का पोर्शन बचता है, चाहे रीजनिंग का पोर्शन बचता है या कोई अदर पोर्शन बचता है, वो बाकी का आपका 40 नंबर है करंट अफेयर से, ठीक है। तो आप इतना समय है ही नहीं कि आप अपने आप को बदल के कनिष्ठ सहायक के पेपर के आधार पर ये कहो कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। उसी तरीके से जो आप UK SSSC के सिलेबस के आधार पर, हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि उत्तराखंड को समय ज्यादा मत देना, कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास एक महीने का लगभग समय है, आप जितना कोशिश कर सकते हैं जीएस के क्वेश्चन पे कर सकते हैं, रीजनिंग पे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, कंप्यूटर जो कनिष्ठ में आई थी वो अपने आप को अलग लेवल की थी। क्यों? क्योंकि यूके पीएससी ने कंप्यूटर के क्वेश्चन लिखे थे, कंप्यूटर का सिलेबस नहीं दिखा था आधारभूत, लेकिन UK SSSC के पैटर्न पे कंप्यूटर का सिलेबस दिया है। आप पटवारी का और पुलिस कांस्टेबल के कंप्यूटर के क्वेश्चन देखना, वो जो क्वेश्चन है वो जो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटर की उसमें से भी कई क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो उनके सिलेबस पे आधारित था। लेकिन UK PSC का सिलेबस कंप्यूटर का दिया नहीं था, ओपन सिलेबस नहीं था, तो वो क्वेश्चन हटके हो गए। तो मैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए पुनः आपसे ये कहूंगा, कंप्यूटर के कुछ टॉपिक जो आपके सिलेबस के हैं, क्योंकि सिलेबस दिया गया है UK SSSC के द्वारा, तो वो जो सिलेबस है UK PSC को मिला हुआ है तो उससे क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है, वहां से क्वेश्चन है। दूसरा आपको फोकस किस चीज पे करना है, एक महीने का समय है, कंप्यूटर पे फोकस करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन पे फोकस करना है, साइंस नहीं आएगी, यानी साइंस की आप बहुत रेयर केस है कि आपके साइंस के क्वेश्चन आए, मतलब होगा नहीं कि ऐसा साइंस आएगी, अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो जनरल आएगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो साइंस मत ही पढ़ना, कुछ फायदा नहीं है, आएगा देखा जाएगा वाली बात है, लेकिन क्योंकि उस सिलेबस में नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कई चीजें तो इन लोगों ने सिलेबस में नहीं थी, कनिष्ठ सहायक के मैं इकोनॉमी दे दी, कनिष्ठ सहायक की जो इकोनॉमी थी बच्चों वो स्टैंडर्ड इकोनॉमी नहीं थी, वो तथ्यात्मक इकोनॉमी थी, वो करंट से लिंक हो जाती है। वो आप जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी या इंटरनेशनल जो भी है आपकी इकोनॉमिक्स, वो अलग कॉन्सेप्ट है। और जो आपकी कनिष्ठ सहायक में आई थी वो तथ्यात्मक इकोनॉमी थी, यानी भारत सरकार उत्तराखंड सरकार के सर्वे यानी जो आर्थिक आंकड़े होते हैं उस पर आधारित ज्यादा इकोनॉमी पूछी थी, जनरल इकोनॉमी जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं थे, वो ठीक है आंकड़ों पे आधारित इकोनॉमी आई थी, वो करंट अफेयर या तथ्यों पे आधारित होती है। वो भूगोल के टॉपिक लिखा है जनना की, और आर्थिक एक शब्द लिखा होगा वहां पे देखना ज्योग्राफी वाले में, जहां पे आप कहते हैं ना सर इकोनॉमी सिलेबस में नहीं है, वो दो चीजों से लिंक करके पूछ रही है, करंट अफेयर से पूछा था, दूसरा ज्योग्राफी में लिखा था जननांकी और आर्थिक समझ, इस टाइप से कुछ लिखा था, वहां से क्वेश्चन उठाए थे उन लोगों ने, ठीक है। तो उस टाइप के, तो साइंस कोई आपको देखने की जरूरत नहीं है, यानी एक महीने के अंदर मैं आपसे सीधी सीधी बात कर देता हूँ बच्चों, सिंपल सी बात है, 40 नंबर के उत्तराखंड को रिमूव करके चलो, यानी बहुत लाइट आपको पढ़नी है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से तैयारी करते आए हैं, तो आप लाइट उत्तराखंड पढ़ना, एक प्रकार से रिविजन मान के चलना। और हाँ, स्पेशली विंसर ईयर बुक के जो पीछे वन लाइनर, ये थोड़ा सा मैं धीरे आवाज में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लाइट होके बोल रहा हूँ, आप ही करना जो विंसर ईयर बुक आपके पास लेटेस्ट है, विंसर ईयर बुक, ठीक है, जो भी आपका उसके वन लाइनर दिए होंगे पीछे उसने, यानी उसने सेट बनाए हैं वन लाइनर के, वो पक्का करके जाना अगर आपके पास किताब है तो, ठीक है, क्योंकि वो डिक्टो क्वेश्चन भी उठाते हैं ये लोग, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा वहीं से पूछ दिया जाता है, तो उसको आप लोग करके जाना वन लाइनर वाला। उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी पढ़ जाना, क्योंकि UK SSSC का सिलेबस है, 40 नंबर के उत्तराखंड में इतना स्कोप है नहीं, करंट अफेयर वो पूछेगा उत्तराखंड की, एक आध वीडियो जो है करंट अफेयर की मैं दूंगा आपको, चाहे वो नेक्स्ट सैटरडे संडे हो कुछ भी हो, और एक दो वीडियो तो नेशनल करंट अफेयर की पूछेगी, पूछना ही पड़ना है, क्योंकि 9 अप्रैल को पेपर है तो मार्च एंड तक का करंट अफेयर पढ़ना है, तो एक दो वीडियो तो मार्च की हो जाएंगी, एक वीडियो और एक वीडियो फरवरी और की मिड से आगे को, यानी दो वीडियो नेशनल करंट अफेयर की और एक वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर की, तीन वीडियोस करंट अफेयर की आपकी आएंगी। तो उत्तराखंड के पोर्शन को जितना लाइट है वो रखना है, सिंपल सी बात है, तथ्यात्मक उत्तराखंड बहुत ज्यादा गहन नहीं पढ़ना आपको, आपके जो नोट्स बने हुए हैं उनसे आप उत्तराखंड पढ़ के जाना, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद जो चीज आती है, क्योंकि इसको सबसे कम समय देना है, आप ये मान के चलो कि ये सबसे बड़ा एग्जाम है,
यानी 1200 कुछ पदों पे आपका सिलेक्शन होना है। पेपर टफ आए तब भी होना है, हार्ड इजी आए तब भी होना है, यानी किसी भी कंडीशन में होना तो है ही। भले ही 85 नंबर का टॉप चले जाए, 45 नंबर का टॉप चले जाए, 46 नंबर का टॉप चले जाए, होना तो है ही ना सिलेक्शन। अब कनिष्ठ साहब का पेपर टफ था, टफ था, टफ था, वास्तव में टफ था, क्या इसका ये मतलब है किसी का सिलेक्शन नहीं होगा? होगा तो सही ना, 60 नंबर वाले का तब भी होगा, 62 का तब भी होगा, किसी का तो होगा ना, होना तो है ही है। मेन चीज क्या होती है, जब पेपर हार्ड होता है हमारा माइंड, हम घबराहट न लाए अपने अंदर, यानी हमारी जो एंजाइटी जो प्रॉब्लम होती है, एग्जामिनेशन हॉल का जो फोबिया होता है वो हम पे हावी ना हो। अगर जिसने थोड़ा सा उस टाइम पे कनिष्ठ साहब के पेपर को टफ देख के जो थोड़ा सा वहां पे सेंस लगाया होता, दिमाग लगाया होता, यार 50-52 क्वेश्चन, 45-47 क्वेश्चन बन रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन पे ऐसे गैस करता हूं तो 60-61-62 के तब बन जाए, इस तरीके की अगर आपकी सोच होती तो आपका कनिष्ठ साहब में बहुत बच्चों का होगा, तो अभी भी उतने बच्चों का तो होगा ही होगा। हो सकता है कि वो इसी चैनल से जुड़े हो सकता है किसी दूसरे से जुड़े हो, होना तो उतने पदों पर चयन है ही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको कोई अनोखी चीज नहीं करनी है, अनोखा एक्सपेरिमेंट मत कर देना। आप सिंपल सी बात है, उत्तराखंड को लाइटली लेके चलिए। उत्तराखंड बहुत ज्यादा डेप्थ में, बहुत गहन उत्तराखंड के अनावश्यक, देखो अभी कनिष्ठ साहब में भी इतना ज्यादा उसने उत्तराखंड का इतिहास नहीं पूछा था, तो मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, उत्तराखंड इतिहास में कम समय देना, अनावश्यक मत पढ़ना। बेसिक चंद के क्वेश्चन, बेसिक पंवार के क्वेश्चन, बेसिक गोरखा के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपका किसके जो ये ब्रिटिश काल है, और स्पेशली थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन या थोड़े से ढंग से परीक्षा वाली स्पेशली जो देख के जाना, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, यानी 1857 के बाद से जो उत्तराखंड के नायक थे स्वतंत्रता दिलाने में, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था, उनका वाला जो पोर्शन है आपके सिलेबस में, उस पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। ठीक है, यानी मैं बार बार आपसे कहूंगा उत्तराखंड इतिहास को कम फोकस करें, बाकी उत्तराखंड के जो स्पेशली इतिहास वाला पोर्शन देखोगे तो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका वाला पोर्शन अच्छे से देख के जाना। साथ ही साथ आपका जो उत्तराखंड के भूगोल वाले पोर्शन है, इकोनॉमी है, परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं ना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ 40 में से 30-32 नंबर आ जाते हैं। मतलब इतना वो नहीं है एडवांस उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछो, 2-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसके चक्कर में अपनी प्लानिंग नहीं बदलनी है, सबसे बड़ा एग्जाम है अभी भी कह रहा हूँ। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, पेपर हार्ड आए पेपर इजी आए, सिलेक्शन 1200 बच्चों का तब भी होगा, 1200 या जितने बच्चों पे सिलेक्शन होना है वो तब भी होना है, चाहे आपका इजी आए, हार्ड आए, चाहे 50 नंबर कट ऑफ जाए, चाहे 80 कट ऑफ जाए, कभी 70 जाए, जितनी भी जाएंगी वो 1200 से 1250 पद जितने भी हैं उस पर आपका अंतिम रूप से चयन होगा ही होगा, और उनमें से आप भी हो सकते हैं या आप होंगे। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ा सा फोकस करने वाली, जो मैंने आपको बताया उत्तराखंड लाइट लेके चलना, हिंदी में हिंदी साहित्य फिर रिटर्न करेगी, यानी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन फिर पढ़ने आपको, वो कहां से पढ़ोगे, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना। क्रैश कोर्स में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो पुराने बच्चे थे उनको तो पता ही है, बहुत सा कंटेंट मिला था। तो मैं आपसे ये कहूंगा, कोई अगर एक ऐसा छात्र जो मुझसे पहले से जुड़ा है, मैंने इसमें चैनल में प्लेलिस्ट जो थी हिंदी साहित्य की वो रिमूव कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उसमें ना उस कॉन्फिडेंस से मैंने पढ़ाया नहीं था, सिर्फ फैक्ट तथ्यात्मक आधार पर उस टाइम पे स्टार्टिंग की वीडियोस थी वो रिमूव कर दी थी मैंने। तो कोई ऐसा छात्र जो एक आध छात्र मैं जानता हूं जिनने नोट्स बनाए हिंदी साहित्य के, जो पहले वाले वीडियो से मेरे नोट्स बने हैं, आप मुझे प्लीज उसका पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना, हिंदी साहित्य का जो मैंने क्लास में आपको कराए थे, ठीक है, ताकि मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, तो उन सभी बच्चों को हिंदी साहित्य का पोर्शन मिल जाएगा जिनका हिंदी साहित्य अभी तक बना नहीं, वरना मैंने हिंदी साहित्य आप लोगों के लिए कराया हुआ है, यानी वो पहले से आप लोगों का हिंदी साहित्य तैयार है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आपका रिटर्न होना है, बाकी हिंदी में व्याकरण वाला पोर्शन फिर रिटर्न हो जाएगा, यानी आपको संधि में दो संधि है, ठीक है, संधि कौन कौन सी है, स्टार्टिंग वाली है, ठीक है, विसर्ग और शायद मेरे ख्याल से व्यंजन संधि नहीं है उसमें, इसके अलावा समास नहीं है, अलंकार आ जाएगा, इसके साथ साथ ही आपका जो पोर्शन है वर्ण वाला, या आपका जो स्टार्टिंग के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब चीजें। तो अब जो है, क्योंकि 20 नंबर का है, 20 नंबर में व्याकरण भी पूछना है उसने, विलोम भी पूछने हैं, पर्यायवाची पूछने हैं, तो विलोम पर्यायवाची ये वो क्वेश्चन ये थोड़ा कम होगी, व्याकरण वाला पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, हिंदी साहित्य ज्यादा हो जाएगा, यानी आपने जो 20 नंबर की हिंदी बहुत समय से आप ब्लूसेंट से पढ़ते आए हैं या जहां से भी पढ़ते हैं उसको फिर से तैयार रखना। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कह दिया टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, सबके नंबर कम हो जाएंगे, आपके भी कम होंगे, दूसरे के भी कम होंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। क्या मिलेगा एक बात बताओ, आपसे मैं फिर से पूछता हूं, किसी केस में पेपर इजी आया सपोज, ठीक है, होता नहीं है ऐसा, सपोज किसी केस में पेपर इजी आ गया, बहुत आसान आ गया, आपने 85 क्वेश्चन कर दिया, आप घर आके तालियां बजा रहे हो, खुश हो रहे हो, आपने मिठाइयां बांट दी मोहल्ले में, पड़ोस में, आपने रिश्तेदार नातेदारों को फोन कर दिया कि इतने आगे, ये आगे, वो आगे, और पता लगा घर आने के बाद कट ऑफ चलेगी 87। क्या मिला आपको 85 लाके,
और इसके बदले ये भी तो हो सकता है ना कि आपके मार्क्स आए 58, 62, 63 और घर आके आप उदास हैं, आपने कहा यार हार्ड पेपर था सर मेरे, मतलब अपने आप को कोसने में लगो, हम अपनी तैयारी को बदल दें छोड़ दें, ये पता लगा आपके 61 आए, कट ऑफ चलेगी 59, क्या बुरा था 61 लाने में। पेपर है ना, पेपर कौन जानता है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ पेपर, वो एग्जामिनर जो आपका पेपर बना रहा है वो उसका माइंडसेट है, उसको सिलेबस दिया गया, उसने कहा ये पेपर है, उन्होंने 3-4 सेट बनाए, कोई सेट पिक कर दिया और आपके एग्जाम में आपको दे दिया। अब कौन जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या है उस पेपर के अंदर, कैसे पता चलेगा, वो तो ऑन द स्पॉट जितने भी छात्र सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी छात्रों ने किस तरीके, जरूरी नहीं है बच्चों की हमारा पढ़ा हुआ ही एग्जाम में आए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ऐसा भी होता है, हम अगर तैयारी करते जाएं जो क्वेश्चन इजी, अगर हमारे सब सही हो जाएं, और मतलब सब सही क्या अधिकांश क्वेश्चन सही हो जाएं, और जो क्वेश्चन टफ है अगर हमारा वो सही नहीं भी हो पा रहा, किसी केस में अगर हम वो सही नहीं कर पा रहे और हमें लगता है कि यार हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आ रहे बाकी हमसे नहीं आ रहे, और आप 10-15 क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे तब भी आपका चयन हो जाता है। सिलेक्शन का यही प्रोसीजर है बच्चों। आप छोटे, ये तो ग्रुप सी के एग्जाम है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं IAS का हो, IPS का हो, IFS, वो एक ही एग्जाम रहता है पहले स्टार्टिंग में कम्बाइंड, उस एग्जाम तक की विशेषता देखो ना आप। देखो इतने कोचिंग संस्थान हैं, दिल्ली चले जाओ आप, अलग अलग शहरों में चले जाओ, ऑनलाइन कोचिंग की सुविधाएं देखो, मटेरियल के देखो, इतनी किताब है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी किताब से पढ़ा हुआ मिले कहीं से भी मिले, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपको अपनी तैयारी करनी होती है। तैयारी का मतलब जो आपको सिलेबस दिया है, जो पैटर्न है वो आपको सही से करके जाना होता है, बाकी सिलेक्शन आपका एग्जामिनेशन हॉल पे होता है। वो 2 घंटे आपने कैसे बिताए, आपको बहुत क्वेश्चन टफ थे, हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आपने अपना आपा नहीं खोया, यानी आपने पेपर देखा आपको लगा कि बहुत हार्ड पेपर है, आप अपना मतलब नर्वस नहीं हुए, आपने कहा कोई बात नहीं हार्ड है तो सबके लिए है, जो इजी क्वेश्चन मुझे आ रहे मैं उनको करता हूं, बाकी 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा गैस करूंगा, बाकी पेपर छोड़ दूंगा, 62 नंबर 63 नंबर आ जाएंगे तो मेरा चयन हो जाएगा। देखना कनी साहब की कट ऑफ कहां जाती है, उस समय कई बच्चों को ये अफसोस होगा कि काश मैंने जबरदस्ती के टिक नहीं लगाए होते। वही तो बार बार कहा जाता है ना, अगर पेपर इजी है, इजी पेपर आपको लगा कि आपने इतने समय से तैयारी की है, पेपर इजी आ गया और इजी पेपर आने के बाद आपने 62 नंबर 70 नंबर 72 नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए, तो वो सबके लिए इजी है ना, तब आप 72 करके आगे 70 करके आगे आपने कहा ना अब नहीं करता हूं 70 72 से ऊपर मैंने, भाई इजी पेपर है, जब तुम 70 पहले अटेम्प्ट में पूछ रहे हो तुम्हारे साथ भी तो 75 ला सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, 80 ला सकते हैं, तो आपको 10 12 13 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने होते हैं, लेकिन आप इतने लंबे लंबे समय से अगर तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा यार पेपर हार्ड है, आपको खुद पता चल, बच्चों पेपर हार्ड है या इजी है खुद वहां पे पता चल जाता है, आपने कहा यार पेपर हार्ड आ गया ये है, अब मैं एक काम करता हूँ जितने मुझे आते हैं वो करता हूँ, अगर मुझे 60 आ रहे हैं तो मैं 65 करके आऊंगा, बस ये पता चल जाता है। ये अगर ये समझ आपके पेपर में आ गई, इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर जिस दिन आपके पेपर देते समय डेवलप होगी, इतना माइंड आपका वहां पे लग गया कि यार पेपर इजी है, यानी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इजी और हार्ड पेपर में, वहां जो डिफरेंस अगर आपने पकड़ लिया तो आप मान के चलिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन भावुक हो गए, नहीं सर हमारे 60 नंबर आए, सर हमारे 55 नंबर आए, हम भावुक हो गए, हमने 80 क्वेश्चन कर लिए, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपकी जो सांप सीढ़ी का जो गेम होता है 0 से 99 वाला खाके आपको फिर नीचे फेंक देगा, तो ऐसी गलती मत करना। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिंपल फॉर्मूला है, रणनीति नहीं बदलनी है, फोकस करना है रीजनिंग पे, कंप्यूटर पे, करंट अफेयर पे, और कौन सा क्वेश्चन, इतना ही तो है बेसिकली, वहां तो ये है नहीं ना आपकी एक्स्ट्रा चीज। और हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो ल्यूसेंट से पढ़ के जाना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री फिर रिटर्न करके एक आध क्वेश्चन हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका आ जाए, तो वो वाला पोर्सन आप ल्यूसेंट से देख के जाना। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, जो आपसे नोट्स बनाए हैं, अब जैसे 30 डेज DGS वाली क्लास है वो मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसलिए कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि फिर से UK SSC के सिलेबस पे आधारित पेपर होगा, यानी UK SSC के सिलेबस पे आधारित होगा, तो 4 क्लासेस उसकी बची हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड वाले ध्यान से सुनना, 4 क्लासेस आपकी 30 डेज GS वाली कंप्लीट करनी होंगी, वो आपके वन डे किसी भी वन डे एग्जाम में काम आएगी मेरी ओर से, ठीक है। 3 क्लासेस आपकी किसकी कंप्लीट करनी है, करंट अफेयर की, 1 उत्तराखंड की, 2 नेशनल इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल करंट अफेयर फिर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर तो आपका आएगा ना। तो फोकस पॉइंट क्या है ध्यान से सुन लो, उत्तराखंड लाइटली पढ़ना है, बहुत ज्यादा अनावश्यक उत्तराखंड पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उत्तराखंड इतिहास वगैरह ज्यादा टाइम मत देना, जितना है एक प्रकार से रिवीजन के तौर पे उसको देख के चलना, यानी उत्तराखंड के इतिहास को कम पढ़ना है, बाकी जो सोर्स है 1 महीना अच्छे से विंसर ईयर बुक उसके पीछे वन लाइनर बनाए होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब वाले बना रखे वो देख के जाना, साथ ही साथ परीक्षावाणी आपको देख के जानी है, ये चीज आपकी किस चीज की होगी, विंसर ईयर बुक या उत्तराखंड वाले पोर्शन की, ठीक है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक और मैं कराऊंगा, ठीक है, रीजनिंग जो आई थी उसमें एक आध टॉपिक मैं आपको करा दूंगा संडे
वगैरह सैटरडे वगैरह जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है उस समय पे आपको मैं करा दूंगा ये वीडियो टॉपिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके साथ साथ ही आपका जो पोर्शन बचता है कौन सा, हिंदी वाला, साहित्य वाले पोर्शन के मैंने पीडीएफ मांग ली, आपके जो बच्चों ने मेरे नोट्स बनाए थे वो मुझे टेलीग्राम पे भेज देना पीडीएफ बना के प्यार से, ठीक है, अच्छी राइटिंग वगैरह जो सबके समझ में आ जाए। उसके अलावा जो हिंदी का पोर्शन है व्याकरण आप पढ़ते आए हैं उसमें बेफिक्र होकर आप तैयारी कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस के लिए समय है ही नहीं कि आप रणनीति बदले, साइंस आएगी नहीं, जीएस आप जिससे भी पढ़ते आए हैं जो भी सोर्स है उसी को रिवाइज कीजिए। आपसे फिर कहूंगा लुसेंट ही पढ़ के जाना यहाँ पे जीएस के लिए, क्योंकि अगर आप अनावश्यक दूसरी किताबें लाओगे और इतने बच्चे हैं, ये कोई नहीं लाएगा बच्चों, एक दो बच्चे लाएंगे तो वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आपके पास घटना चक्र है या लुसेंट है उसी से आप करके जाइए या जो नोट्स आपने बनाए हुए। कई बच्चे तो पहले से पढ़ते हैं, पुराने स्टूडेंट है मेरे, उन्हें मैंने एनसीईआरटी की जीएस वगैरह करा रखे हैं। और हाँ, अगर एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन आएंगे तो आप क्रैश कोर्स की एनसीईआरटी की जीएस पक्का पढ़ के जाना। तो जब आप इस तरीके से पढ़ के जाओगे, अपनी रणनीति नहीं बदलने, रणनीति कब बदलोगे आप, जब आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो जाएगा, जब आने वाले फ्यूचर में आप यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के सिलेबस के आधार पर एग्जाम दोगे तब आपको रणनीति बदलनी है। अभी आपका सिलेबस पुराना है, पुराने सिलेबस के आधार पर आप अपनी रणनीति के साथ उसी रणनीति के साथ जाइए। बस तीन चीजों पर फोकस कीजिए, रीजनिंग पे फोकस करना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन करने हैं। ये 13-14 नंबर ये अगर सही हो जाते हैं, उत्तराखंड आपकी बहुत ज्यादा हार्ड आती नहीं है आप सभी जानते हैं, वो क्वेश्चन आपके वैसे नॉर्मली सही हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके सही हो जाएंगे। जीएस का जो पोर्शन है मैंने आपसे कह दिया, लुसेंट के क्वेश्चन कर लेना, घटना चक्र की कर लेना, और महेश वर्णवाल की अगर एनसीईआरटी वो करके जाना। इसके बावजूद अगर इससे बाहर आपका जीएस पूछता वो सभी छात्रों के लिए पूछेगा। और अंतिम समय में यहीं पर अपने नोटबुक को निकालिए और एक लाइन लिखिए, सीधे सीधे लिखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें ऊपर से ये लिखिए, अगर पेपर हार्ड होगा सबके लिए होगा कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर पेपर इजी होगा सबके लिए होगा कट ऑफ ऊपर जाएगी। इस लाइन को अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सेलेक्ट होने से रोक सके, क्योंकि पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको उसी तरीके से उसको डील करना पड़ता है जैसा आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो आप सभी छात्रों को फॉरेस्ट गार्ड के लिए शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी मेरी ओर से विशेष हैं कि आप एक महीने का जो समय बचा है इसको अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे, अपनी रणनीति पर अनावश्यक बदलाव नहीं करेंगे, पुराने सिलेबस पर आधारित आपका पेपर है, साइंस वगैरह में अनावश्यक समय बर्बाद मत करना, वो नहीं आनी है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये पुराना पैटर्न चलेगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।